तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों आप लोग काफ़ी सारी हमारी वीडियोज़ को भी लाइक कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो, तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी ये फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। और तो चलिए दोस्तों अब सीधे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिन जिन महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन वाले अकाउंट थे उन महिलाओं के अकाउंट में 2 किस्तें तो ट्रांसफर कर दी गई थी। और दोस्तों बात करते हैं जून महीने के 3री किस्त की, तो वो किस्त भी कुछ महिलाओं के अकाउंट में आ चुकी है और कुछ महिलाओं के अकाउंट में अभी तक नहीं आई। और जिन लोगों के भी अकाउंट में नहीं आई है उनके अकाउंट में 10 जून तक 3री किस्त का पैसा भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई 3री किस्त की बात। और दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में अब ये डाउट चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की तरफ से 4थी किस्त का पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर 4थी किस्त का पैसा मिलेगा तो कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, आप लोगों के ये सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि क्या 4थी किस्त का पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर 4थी किस्त का पैसा आएगा तो आप लोगों को कौन सी तारीख से मिलना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही जानकारी वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर जून के महीने के बाद भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में पैसा आएगा या नहीं आएगा इस टॉपिक पर अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हो जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी, जून के बाद भी आता रह सकता है खाते में पैसा। जी हां दोस्तों, उसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी आ गई है। दरअसल सरकार 500 रुपये की 4थी किस्त महिला जनधन खाता धारकों के खाते में जून के बाद भी भेजना जारी रख सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि दोस्तों दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि जून के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाता रहे। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे ज़रूरतमंदों को बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने में मदद मिल सकती है। हालाँकि जून के बाद महिलाओं को पैसा मिलता रहेगा या फिर नहीं मिलेगा इस पर आखिरी फैसला जो है PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही लेगा। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की तरफ से 4थी किस्त है उसका अभी तक कोई भी मामला क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि उसकी कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं आई है कि मिल ही जाएगा। लेकिन अभी कुछ अधिकारियों में बात चल रही है और इसका जो आखिरी फैसला है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा। और दोस्तों जैसे ही इस पर कोई आखिरी फैसला होगा और ये कन्फर्म हो जाएगा कि 3री किस्त के बाद भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल पर खबर दे दूंगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मन में एक और भी डाउट था कि अगर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की तरफ से 3री किस्त का पैसा डाला जा रहा है, अगर हम ये 10 जून के बाद निकालें या फिर बाद में फिर कभी भी निकालें तो क्या हम निकाल सकते हैं या पैसा वापस चला जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये पैसा जो है आप कभी भी आगे निकाल सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप लोगों के लास्ट अंक के हिसाब से शेड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालें, आप जब मर्जी चाहें ये पैसा बाद में भी निकाल सकते हो। तो इससे ज़्यादा बैंकों में भीड़भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो आप लोग पैसा निकाल कर लाएँ, और अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप लोग फिर कभी बाद में भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।